अकोला 24 न्यूज़ में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बार्शीटाकली में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हर जगह किया जा रहा है। इसी तरह बार्शीटाकली के मसीहा क्लिनिक में बड़ी संख्या में नागरिकों ने वैक्सीनेशन का लाभ लिया। मसीहा क्लिनिक नए बस स्टैंड के पास मगरूलपीर रोड सनराइज कॉलोनी में डॉक्टर काजिम खान और अब्दुल शहजाद ने अपने क्लिनिक में वैक्सीनेशन कैंप रखा, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में उप विभागीय अधिकारी मूर्तिजापुर श्री अभय सिंह पाटिल, बार्शीटाकली के तहसीलदार श्री गजानन हामंद साहेब तथा ब्रांड एम्बेसडर शाहिद इकबाल और महिला बाल विकास मंडल बार्शीटाकली अध्यक्ष स्नेहल शेख मैडम प्रमुखता से उपस्थित थे। इस वैक्सीनेशन कैंप को सफल बनाने के लिए डॉक्टर काजिम खान ने सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन के बारे में समझाया और उन्हें वैक्सीन लेने के लिए भी कहा। उस वक्त आशा वर्कर और बार्शीटाकली के ग्रामीण रुग्णालय के दो टीमें और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत की। खबर लिखे जाने तक कैंप में 100 के करीब आंकड़ा जा चुका था और वैक्सीन लेने के लिए नागरिकों की बहुत बहुत भीड़ लगी हुई थी। इस कैंप को सफल बनाने में डॉक्टर काजिम खान, अब्दुल शहजाद और शिक्षकों का बड़ा योगदान रहा। बार्शीटाकली से अकोला 24 न्यूज के लिए कैमरामैन वकार खान के साथ इरफान अहमद शेख की रिपोर्ट।